आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवास और इनोफेस्ट की इनोवेशन यात्रा। उत्तरी कर्नाटक में अगर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है वो हुआ है देशपांडे फाउंडेशन के मार्गदर्शन की वजह से। अनूप विजापुर एक ऐसे ही इनोवेटर हैं जो इस फाउंडेशन के लीड प्रोग्राम से जुड़े अपनी पढ़ाई के दौरान। आज अनूप नैनोपिक्स, एक कैश्यू प्रोसेसिंग इक्विपमेंट स्टार्टअप के लिए लीड इनोवेटर है। देशपांडे फाउंडेशन के इंक्यूबेटर सैंडबॉक्स स्टार्टअप्स में करीब 11 साल पहले नैनोपिक्स शुरू हुई। ये कंपनी काजू के लिए ग्रेडिंग मशीन बनाती है। खास बात यह है कि इस स्टार्टअप में इनोवेशन का जिम्मा महज 26 साल के अनूप बीजापुर पर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनूप के पास इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों में काम करने का ऑफर था, लेकिन वो अपने दिमाग में चल रहे इनोवेशन को किसी स्टार्टअप के साथ आजमाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हुबली के स्टार्टअप का दामन थामा जिसने उन्हें नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की छूट दी। फॉर्चुनेटली मैं शशि से मिला जो नैनोपिक्स के सीईओ है, उनसे मिलने के बाद मैंने अपने आइडियाज बताया, मैंने जो कॉलेज में करता था, जो अलग नए चीजें करता था, उनको वो अच्छा लगा। एंड देन उनको भी एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जहां पे कोई इसको फील्ड पे लेके जाके मशीन को वैलिडेट करे, सिस्टम सेट करे एंड देन कस्टमर फीडबैक को प्रॉपरली शेप करके मशीन को इम्प्रोवाइज करे। जो मुझे रिक्वायरमेंट था और उनको जो रिक्वायरमेंट था वो बहुत मैच हुआ, तो उस वजह से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। आप देख सकते हैं नैनोपिक्स की ये ग्रेडिंग मशीन। इस मशीन की खास बात है कि ये काजू को न सिर्फ साइज बल्कि रंग और शेप के मुताबिक एक साथ अलग कर देती है। भारत में अभी तक काजू की छटाई हाथ से होती आई है, लेकिन इस मशीन ने ये काम काफी आसान कर दिया है। ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें हैं भी, तो वो सिर्फ 3 वैरायटी के काजुओं को अलग करने में सक्षम है, लेकिन अनूप की ये मशीन 7 वैरायटीज की पहचान करके उन्हें अलग कर सकती है। यही नहीं, इसकी एक्यूरेसी 95% है। जो कैमरा के एल्गोरिदम से कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर पाए ताकि फॉर द सेम सिस्टम, फॉर द सेम सप्लायर, फॉर द सेम मशीन कैसे मुझे कैपेसिटी बढ़ेगी, कैसे मुझे उसी सिस्टम में कैसे मैं मैक्सिमम थ्रूपुट लेके आ सकता हूँ, ताकि जो छोटे प्रोसेसर्स है उनको इससे मैक्सिमम आउटपुट लेके आए। इस सिस्टम ने भारत में काजू को प्रोसेस करने वालों का काम इतना आसान कर दिया है कि 8 घंटों की शिफ्ट में 1.5 से 2 क्विंटल तक काजू की छटाई होने लगी है। नतीजन कंपनियों की क्षमता काफी बढ़ गई है। आज के दिन नैनोपिक्स की ये नैनो सॉर्टर भारत के तटीय इलाकों में मौजूद ज्यादातर कैश्यू प्रोसेसिंग कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। यही नहीं, कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े कैश्यू प्रोड्यूसर और प्रोसेसर वियतनाम से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। मोस्टली ग्लोबली ग्रेड्स या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट रहेंगे, एक ही पास में मल्टीपल ग्रेड्स मिलना ऐसा कोई मशीन नहीं, एंड हमारे मशीन से उनको वो थ्रूपुट मिल रहा है। एंड फॉर श्योर हमने वहां पे जो एडवांटेज देखा है कि एटलीस्ट 2/3 रिडक्शन तो हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनर नो सेविंग्स, तो उस हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल है कस्टमर्स को इस मशीन को यूज करते हुए। कीमत की बात करें तो ये मशीन 8.5 लाख से 30 लाख के बीच आती है और इनकी क्षमता 50 किलो प्रति घंटे से लेकर 2 क्विंटल प्रति घंटे के बीच है। अनूप अब इस तकनीक को किफायती बनाना चाहते हैं ताकि छोटे कारोबारी भी इसका इस्तेमाल कर सके। वहीं वो काजू के बाद बादाम, अखरोट की ग्रेडिंग की प्रोसेसिंग से जुड़ी तकनीक पर भी काम शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक के हुबली से 100 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर बेलगाम। वैसे तो बेलगाम को एजुकेशन हब माना जाता है, जहां देश के कोने कोने से छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन ये छोटा सा शहर अब स्टार्टअप हब बनकर उभर रहा है। यहाँ मेरी मुलाकात हुई अभिजीत सामंत और गौतम राजपूत से। वैसे तो ये दोनों इस शहर में पढ़ने आए थे, लेकिन अब कामयाब कारोबारी बनने के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। इसके लिए अभिजीत और गौतम ने मिलकर ऐसी कंपनी शुरू की है जो बांस से साइकिल बनाती है और उसका नाम रखा ग्रास साइकिल्स। आई वॉज अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, तो मुझे खुद की एक साइकिल चाहिए थी जो मेरे बॉडी डायमेंशन से बनी होगी और जो मेरे स्पोर्ट के लिए बनी होगी, लेकिन ऐसी साइकिल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। और एक ऐसी साइकिल जब मैं बाहर से मंगाता हूँ तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी। तो एक दिन मैंने बैम्बू देखा जो कि मेरे बैकयार्ड में ग्रो हो रहा था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फ्री था,
और उससे मैंने एक साइकिल बनाई. इट वॉज नॉट उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन राइड करने लायक थी. साइकिल बैम्बू की फ्रेम से बनी है तो काफी लाइट है, साथ ही इको फ्रेंडली थी. इस चीज का कैसा है, ये तो बैम्बू जब उगता है तो कार्बन भी खींच के लेता है, तो उसी तरह से जितने इसका प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा तो उतना ही तो कार्बन का भी एमिशन कम हो जाएगा. सो इट हैज गॉट अ नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कुछ कार्बन एमिशन तो इससे बहुत ही कम है. अभिजीत की माने तो बैम्बू से बनी उनकी साइकिल भले ही इको फ्रेंडली और हल्के वजन की हो लेकिन मजबूती में ये कोई भी टेस्ट पार कर सकती है. ऐसे में ये किसी भी सीरियस साइक्लिस्ट का हमसफर बन सकती है. साइकिल ऐसी बननी चाहिए जो आपके बॉडी डायमेंशंस के ऊपर डिजाइंड हो. तो क्योंकि बैम्बू तो बहुत सारे साइजेस में और बहुत सारे शेप्स में आता है, तो हम हर एक आदमी के लिए उसके वेट के हिसाब से या उसका जो स्पोर्ट है या उसका जो पावर वो डेवलप कर सकता है वो हिसाब से हम एक साइकिल पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं. अब सब दावों को टेस्ट करने के लिए मैंने इस साइकिल को खुद चलाकर ही देखा. चलाने में वैसे ये साइकिल किसी आम साइकिल की तरह ही है लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी फ्रेम जो है वो बेहद हल्की है. अब पिछले एक साल में कंपनी ने बिना किसी मार्केटिंग के लगभग 90 साइकिलें बेची हैं. इरादा है भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने का लेकिन इन्हें अब विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं और यूरोप इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट साबित हो सकता है. अभी फिलहाल हम एक यूके के एक क्लाइंट है कॉल्ड बायोटिक साइकिल्स, तो उन लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है, तो फिर उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है फॉर 25 फ्रेम्स पर मंथ के इसके लिए. सो वहां पे भी हमारे साइकिल्स का डिमांड बहुत है. तो यूएस के अंदर भी एक कंपनी है तो वहां के लोगों से भी अभी फिलहाल में बात चल रही है फ्रेम्स के ऑर्डर्स के लिए. बांस से बनी इन साइकिल की कीमत 7,000 से 5,00,000 रुपए के बीच है. दरअसल ग्राहकों की डिमांड के मुताबिक साइकिलों को कस्टमाइज किया जाता है जिससे उसकी कीमत कम ज्यादा हो जाती है. अब अभिजीत और गौतम फ्रेम के अलावा साइकिल के दूसरे पार्ट में भी बांस का इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं.